डंकी मैं समझा डंकी 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 इन एन एज मतलब सर हेलो वेलकम नमस्ते स्वागत सत श्री अकाल एंड मी आपका छोटा भाई तेजपाल। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आप देख रहे हो यूपी वाला और आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के वन ऑफ द किंग शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी दो से ज्यादा के बारे में। समझ रहे हैं ना आप? अच्छा, लेकिन सुन के अच्छा लगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शाहरुख खान कसम खाए बैठे हैं 2023 में कि वो एक से बढ़कर एक सुपर हिट मूवी एंड दमदार मूवी देंगे। जी हम भाई दोस्तों, शाहरुख खान 2023 में एक से बढ़कर एक दमदार मूवी देने की कोशिश में लगे पड़े क्योंकि उनकी शुरू में ही 2023 के शुरू में ही मूवी आई थी पठान, जिसने की बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की एंड कई सारी मूवियों के रिकॉर्ड भी तोड़े एंड ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई दोस्तों। बात तो सही है लेकिन किंतु परंतु बंधु शाहरुख खान यहीं नहीं रुके क्योंकि उन्होंने कसम खा रखी कि 2023 में वो कई सारी बड़ी मूवी देंगे। उसके बाद उन्होंने तुरंत पठान के बाद जवान का पोस्टर रिलीज करा दिया जिसे देख शाहरुख खान के फैंस पूरी तरह चौंक गए। लेकिन 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 दोस्तों शाहरुख खान फिर भी यहाँ नहीं रुके, जवान के बाद उन्होंने डंकी का भी एक पोस्टर रिलीज करा दिया जिसे देख लोग पूरी तरह बौखला चुके हैं एंड अब इस डंकी की मूवी उनकी 2023 के लास्ट में आपको देखने के लिए मिलने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पठान के बाद जवान जो कि 7 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी एंड उसके बाद शाहरुख खान की एक और मूवी आने के लिए जा रही है जिसका नाम है डंकी जो कि दिसंबर के लास्ट में आपको देखने के लिए मिलने वाली है। एंड अगर बात करें इसके ट्रेलर की तो ट्रेलर भी आपको काफी जल्दी इस मूवी का देखने के लिए मिलने वाला है। तो उसी के चलते दोस्तों इस वीडियो में इतने ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।